हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और अभी मैं जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा छट जाता है, मैं छत पे आ गई हूँ। और पार्क में मैं, आप लोगों को पता है, मैं जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि काम ज़्यादा है घर पे, कुछ पार्लर का काम ज़्यादा है, कुछ दिवाली की सफाई में लगी हुई हूँ, तो कई सारे काम हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ी थकान भी हो जाती है, तो इसलिए पार्क में मैं अभी जा नहीं पा रही हूँ। तो पार्क में नहीं जा रही हूँ, तो छत पे ही थोड़ा सा मैं घूम लेती हूँ। तो मॉर्निंग में जैसे जल्दी उठ के घूमना फिरना होता है ना, तो एक तो एक फ्रेश एयर मिल जाती है। हमारे यहाँ तो वैसे भी पोल्यूशन बहुत ही कम है, बाकी माइंड भी बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो सुबह मैं छत पे घूम रही हूँ। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोगों? आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त भी होंगे। और अभी मैं वर्कआउट करने जा रही हूँ, और बस खाली पूरा घर थोड़ा सा संग हुआ है, और हस्बैंड चले गए थे जल्दी, और उनके जाने के बाद मैं थोड़ी सी सो गई थी। तो अभी 7 बजे हैं, तो अभी फ्रेश फ्रेश हो ली हूँ, तो अभी मैं करूँगी 1 घंटा वर्कआउट और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और आपका क्या रूटीन है मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे बोलने की तो क्या ही बोलूँ मैं, चलो मिलती हूँ बाद में। अभी यहाँ पे ना, मैं आज एक सब्ज़ी वाले भैया आए थे जो बहुत पहले आते थे, तो उससे मैंने आज थोड़ी सी सब्ज़ी ली है, और उन्हीं को मैं देख रही हूँ कि मटर और गोभी वगैरह ली है। अब ये धो के और धुली हुई जो पॉली बैग थी ना, उसमें मैंने डाल दी है और फ्रिज में रख दी है, और मॉर्निंग में मैं इसको बनाऊँगी। अब यहाँ पर जैसे मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो चाय पानी तो हो गया था, अब जो है सब्ज़ी मैंने दिन में बना ली थी। अभी यहाँ पे जो मैं आटा लगा रही हूँ वो ज्वार का आटा है, यानी ज्वार की रोटी मैं बनाऊँगी। तो आटा जैसे ज्वार का या मक्की का, बाजरे का आटा होता ना, और गेहूं का भी थोड़ा सा, थोड़ी सी देर अगर उसको है ना भिगो कर रख देते हैं ना, और बाद में उसको लोच लगा कर फिर रोटी बनाते हैं ना, फिर रोटी बहुत मस्त आती है। अभी यहाँ पर जो बॉल में डाल कर रख दूँगी मैं आटे को, और जो डब्बे वाला जो आटा है वो वापस मैं फ्रिज में रख दूँगी। और अभी तो वो खाएँगे नहीं रोटी,
तो थोड़ा सा टाइम है, तो अभी ये किचन जो है प्लेटफॉर्म है उसको साफ़ कर रही हूँ, और अभी ये दो चार कपड़े वो सॉरी बर्तन हैं तो इनको भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो ऐसे ना थोड़ा सा इजी हो जाता है काम, जब भी आपको लगे कि भी किचन में आप काम कर रहे हो, दो चार बर्तन साथ साथ आपने निपटा दिए। हाँ, ज़्यादा बर्तन होते हैं तो मैं ग्लव्स डाल लेती हूँ, बाकी मैं ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ। तो अभी ये सारे बर्तन साफ़ करके और फिर किचन का मेरा हो जाएगा, तो फिर संध्या भी मैंने करनी है, अभी मैंने संध्या की नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि हम फ्री होते हैं और कुछ ना कुछ दिमाग में ना अटपटा चलता रहता है, तो मैं तो जैसे ही दिमाग में अटपटा कुछ चलने लग जाता है ना, सबका ही होता है, अगर कोई माने या ना माने, लेकिन सबका यही होता है, हर एक किसी को ना थोड़ी थोड़ी टेंशनें होती होती हैं। तो मैं अपने आप को ना किसी न किसी काम में बिज़ी रख देती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं सैलेड भी काट के और नमक के पानी में डाल के रख दूँगी, यानी कच्चा जो प्याज है ना वो काट के और पानी में नमक डाल के और उसमें मैं रख दूँगी। चलो आप लोगों के साथ है ना एक रेमेडी शेयर करती हूँ, जो कि मैं बहुत सालों से इसको यूज़ करती आ रही हूँ। जैसे मेरे हाथ ना बहुत ज़्यादा रूखे रहते हैं, कुछ भी लगा लो लेकिन सर्दी में है ना हर चीज़ नाकामयाब हो जाती है। तो उसके लिए क्या सलूशन चाहिए, क्या सलूशन करना है, क्या लगाना चाहिए हाथों को जो रूखे ना हो? तो मैं जो हर सर्दी में करती हूँ ना, गर्मी में तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो सर्दी में मैं यूज़ करती हूँ ना, मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगी। आपने क्या करना है, ग्लिसरीन ले लेनी है, आप जो फेस पैक वाली ग्लिसरीन आती है ना वो वाली ग्लिसरीन लेनी है, और एक लेना है नींबू। अब इन दोनों को ना मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स करके, और इसको फ्रिज में रख लेना है। तो दिन में 2 बार जरूर से, एक बार तो रात को सोते वक्त इसको हाथों पे लगा लेना है, और एक बार जब दिन में सारा काम हो जाता है ना, हाथ पानी ये लगे कि भी अभी पानी का काम नहीं है, तो उस टाइम पे आपने ये लगा लेने हैं हाथों पे, और यकीन मानो इतने सॉफ्ट हो जाएंगे ना हाथ, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, आप इसको ना यूज़ करके देखना। तो अभी वैसे तो देखो मैं कई दिन से सोच रही थी कि आप लोगों के साथ ना इसको मैं शेयर करूँ, पर जो मेरा टाइम शेड्यूल है ना वो इतना बिजी चल रहा था, मैं कर ही नहीं पा रही थी। अब मेरे हाथों को भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही थी, और अब मैंने नहीं इसको यूज़ किया अपने हाथों पे, तो इतने ज़्यादा रूखे हो जाएंगे ना, फिर मेरे को इतना गंदा लगेगा ना सच्ची, मतलब खाना बनाने का भी मन नहीं करेगा, इतने रूखे हो जाते हैं। तो अभी क्या करना है आपने, ये कोई भी आपने छोटी बॉटल ले लेनी है, राइट। अब उसमें ये ग्लिसरीन है, बस मैं ये लगा लो कि ये 10 दिन का ही बनाऊंगी मैं, और इसमें डाल देना है नींबू का रस। अब नींबू ये फ्रिज में रखा था, थोड़ा टाइट है, इसको ऐसे जब रगड़ोगे ना तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और इसमें से रस जो है वो डबल निकलेगा। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स अपना तेरा एग्रो लाइफ में है ना। तो अब ये देखो ये सॉफ्ट हो गया। अब मैं हर जैसे दिवाली से पहले ना इसको बना के रख लेती हूँ, क्योंकि दिवाली पे है ना काम भी बहुत ज्यादा होता है घर का, साफ सफाई का, हाथ ना बहुत गंदे हो जाते हैं। अब देखो नींबू जो है ना वो मैल को काटेगा, बेसिकली जो हाथों में ना टर्निंग हो जाती है काम करते करते और फटे फटे हाथ हो जाते हैं, तो वो डस्ट को निकालने का ये बहुत ही बढ़िया एक ये लगा लो कि रामबाण का काम करेगा। और जो ग्लिसरीन होती है ना वो नमी बना के लेके आएगी, तो ये दोनों मिलकर इतना बढ़िया काम करेगी ना, आप इसको अपने ये पैरों में लगा सकते हो, जैसे एड़ी फटी फटी हो जाती है ना उसमें लगा सकते हो। देखो अब ये बन गया है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। अब ये मैंने 10 दिन का बनाया है, तो डिपेंड करता है नींबू में रस कितना है, अगर ज़्यादा, अब इसमें रस बहुत ज़्यादा था तो मेरे को आधा ही नींबू सफिशियंट है, अगर आपको लगे कि रस कम है तो एक नींबू भी डाल सकते हो। तो आप इसको महीने के लिए भी बना सकते हो, मैं तो जैसे 10 दिन के लिए बना के रख देती हूँ, 10 दिन के बाद फिर बना लेती हूँ, तो ये बहुत बढ़िया रेमेडी बन के तैयार हो जाती है। आप इसको ना ज़रूर से ट्राई करके देखना, आप इसको जैसे होठ फट जाते हैं ना, मतलब फट नहीं मतलब थोड़े से रूखे हो जाते हैं, उस पर भी इसको अप्लाई कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया जो है ये रेमेडी बन के तैयार हो गई है। और ये मैं कई दिन से सोच रही थी, लेकिन आज इसको बनना था और मेरे मेरे को बनाना था,
तो आप लोगों के साथ इसे आज मैंने शेयर कर दिया, ये अपना के देखना। तो अभी जैसे पार्लर का काम मेरे को ज्यादा है, सब्जी मैंने दिन में बना ली थी, मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था तो दिन में मैंने सब्जी बना ली थी, और अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, सिर्फ टाइम 6:15 हो गए हैं। चाय वगैरह ले ली हमने, तो आटा भी वोकर रख दिया और प्याज काट के रख दिए, पानी भी दिए हैं। अब कोई कस्टमर आएगा ना तो उसको उसका काम इजीली हो जाएगा, मेरे किचन का भी मैनेज हो गया है, कस्टमर का भी काम मैं अच्छे से कर पाऊंगी, तो दिमाग पे ना डबल बेन जो है बर्डन नहीं पड़ता है कि मेरा किचन का काम भी रह रहा है और मैं पार्लर में भी लगी हूँ, दिमाग मेरा यहाँ रहेगा तो मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊंगी। तो अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी और जब तक कोई कस्टमर नहीं आती है तब तक मैं अपनी संध्या कर लूंगी, और बस फिर अगर कोई आएगी, एक बुकिंग है मेरी उसका बस 50-50 है, आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो भी ठीक है, आएगी तो थोड़ा सा मतलब 1.5 घंटा आराम से लग जाएगा, तो वो काम करूंगी मैं, और अगर नहीं आती तो अपना जो है खाने बनाने का काम कर लूंगी। तो ऐसे मैं मैनेज कर लेती हूँ, जैसे थोड़ा सा मेरे पास समय होता है ना, तो देखो खाना तो भाई पेट है, भूख लगेगी तो खाना तो पहली फर्स्ट प्रायोरिटी है पेट भरना, और परिवार में जैसे हस्बैंड, मेरे हस्बैंड है उसको तो टाइम टू टाइम चीज़ें चाहिए चाहिए, तो मैं ऐसे मैनेज करके रख लेती हूँ। तो आप लोग मेरे साथ बता शेयर कर सकते हो कैसे मैनेज करते हो, बाकी आप लोग बताओगे नहीं मुझे पता है, और बताओगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो चलो इसको मैं फ्रिज में रख लेती हूँ और संध्या कर लेती हूँ। तो अभी कस्टमर की कॉल आई थी तो मैं जाऊंगी पार्लर में, मुझे 1.5 घंटा आराम से लग जाएगा, और 7:15 हो गए हैं, तो यानी मैं आऊंगी 8:15 के आसपास, 8:15-8:30 के आसपास, और फिर आके मैं रोटी बनाऊंगी, और संध्या भी कर दी है, किचन का सारा मैनेज हो गया, बस रोटी सेकनी है, और जो खाएंगे वो टाइम है, जो बर्तन साफ करूंगी वो टाइम है, तो इतना तो मैनेज करके चलना पड़ता है। तो पानी भी पी लिया है आज, मैं पूरा दिन में बिजी रही तो पानी भी मैं नहीं पी पाई थी, तो मैंने पानी भी पी लिया है, अभी ये अंधेरा हो गया, मैं लाइट बंद कर दी, और चलो फिर नीचे चलते हैं पार्लर में और कस्टमर को अटेंड करते हैं। तो चलते हैं नीचे, आज मेरे नीचे ऊपर के ना बहुत ज़्यादा चक्कर कट गए हैं, अब वैसे थकान तो नहीं होती है क्योंकि मेरा डेली का काम होता है ये, और काम भी मैं आप लोग देख ही रहोगे सारा दिन अपना घर का काम में लगी रहती हूँ। सुषमा आज तक कर आई है मन्ना, फिर मैं बुलाऊ थी या देख ले हमारी है ना या निचर लिया है ना, मेरे तो बात भी ना करती, मैं कई बार बुला ली लेकिन इसके भाव बढ़ रहे हैं, आप लोग बताना इसके भाव बढ़ाने चाहिए कि नहीं बढ़ाने चाहिए। चलो ठीक है, मैं पार्लर का काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। पार्लर का सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं आ गई हूँ ऊपर किचन में, और अभी टाइम 8:30 के आसपास हो गया है, तो अभी मैं खाना बना रही हूँ, और लक्की ने तो खाया नहीं, अभी हस्बैंड के लिए रोटियाँ बना रही हूँ, और ये जवार की रोटी है, और प्याज मैंने पहले काट दिए थे तो उनको नूनी घी होता है ना उसमें रोटी पे लगा के और तब मैं देती हूँ, और अपने लिए बनाऊंगी मैं आज लस्सी, वैसे तो रात को नहीं लेनी चाहिए पर मैंने दिन में लस्सी नहीं ली थी और मेरे को एक टाइम तो लस्सी चाहिए चाहिए होती है, तो मैं अपने लिए लस्सी बनाऊंगी, और मेरे हस्बैंड हैं वो दिन में भी कम ही लस्सी लेते हैं, ना के बराबर लेते हैं, तो रात को तो कोई लेना ही देना नहीं लस्सी का, और जब चटनी होती है ना उसके साथ तो लस्सी और नोनी घी जो होता है ना वो बहुत मस्त लगता है, तो चटनी होती है ना तो जैसे दोपहर में खाना खाते हैं ना तो उसके साथ तो थोड़ी सी लस्सी ले लेते हैं लेकिन रात को बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। तो अब उनको मैंने खाना दे दिया है, अब मैं अपने लिए बना रही हूँ,
और अब एक रोटी का जो आटा वो एक्स्ट्रा हो गया था तो उसको भी मैं बना कर रख दूँगी। मुझे एक ही रोटी चाहिए, मैं आटा रात को फ्रिज में नहीं रखती हूँ। तो अभी लस्सी बना लूँगी, दही मैंने दिन में मॉर्निंग में मैंने जमा दी थी, तो बस फिर मैं हम खाना खाएंगे और फिर किचन को समेट दूँगी। थोड़ी सी देर मैं लक्की के साथ मैं बातें करूँगी क्योंकि वो भी थोड़ा सा मायूस हो रखा है। तो चलिए फिर इस प्यारे से खाने के साथ इस व्लॉग का करती हूँ एंड, और अपना और अपने परिवार का रखना ख्याल। हमारी तरफ से आप सबको ढेर सारा प्यार। मामा को हेलो करो, नहीं करेगा हेलो? मामा को हेलो नहीं करेगा मेरा बेटा? लगू मामा को हेलो करो, हेलो नहीं करेगा मम्मा को? ओए होए, लगू ओहो, कैसे बोल रही मेरी बेटी छोटी सी निन्नी? निन्नू बेटा कैसे बोल रहा है? ये हेलो करो मम्मा को, हेलो हेलो, गुड गुड बेटा, गुड। अच्छा बेटा बन गया है? अच्छा अच्छा, छोटा छोटा निन्ना बेटा बन गया मेरा है। चल छो जा तो तू, और तेरे को पेडिग्री नहीं खानी है? पेडिग्री नहीं खानी मेरी बेटी को? अच्छा ब्रेड खाएगा? कुछ भी नहीं खानी है? चल सो जाओ, तो सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ।